ये लो मैडम आपका नारियल। अरे भाई ये कैसा आवाज था? अरे वो कुछ नहीं, नारियल में पानी है कि नहीं मैं वो चेक कर रही थी। ठीक है जल्दी चेक करो और जाना भी है हमें। हाँ। एक किलो भिंडी और एक किलो गाजर दीजिएगा। अच्छा माही, अच्छा ये नारियल पसंद आया? हाँ। ठीक है भैया मैंने इसका पेमेंट कर दिया है, आ रहा हूँ। ये क्या, इसका मतलब चिंटू का बीबी प्रेग्नेंट ही है, उसको बेवकूफ बना रही है वो, उसे बताना पड़ेगा। अरे भैया सुनिए एक बात कहनी है। अरे मुझे पता है आप क्या बताओगे, बोलोगे इस नारियल में मलाई नहीं है, आप दूसरी नारियल ले लो, लेकिन मेरी वाइफ को यही नारियल पसंद है। अरे ऐसी बात नहीं है भैया, दूसरी बात कहनी है आपको। अरे दूसरी क्या बात है, मैंने एक नारियल लिया ना, जो और नारियल नहीं लेना है, अब चलो। अरे भैया सुनिए हेलो, कीचड़ ही पड़ गया। सुनिए हेलो भैया, अजीब इंसान है यार, अपना पति को ही धोखा दे रहा। अच्छा बेबी ये बताना नारियल पानी कैसा लगा? पानी तो बहुत मीठा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है तुम ना नारियल पानी रोज पिया करना, ताकि हमारा बच्चा भी अच्छा रहे और तुम भी अच्छा रहो। ठीक है तो मैं आज से रोज नारियल पानी पीऊंगी। ठीक है। रुक जा चिंटू। अरे विजय अच्छा हुआ कि तू यहाँ मिल गया, वैसे भी तेरे घर ही जा रहा था मैं। मेरे घर जाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुझे कुछ बताने आया हूँ, पहले वो सुन। देख भाई तुझे जो भी बताना है ना तू घर पे बताना, वैसे भी आज शाम को ना मेरी बीबी की गोद भराई है, तू घर पे बता देना जो भी बताना है। अरे रसम उसम न गई भाड़ में। अबे ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सुख सुख बोला कर, तुझे पता है ना मैं 8 महीने बाद घर लौटा हूँ, फिर मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, मेरी बीबी प्रेग्नेंट है और मेरे घर नन्ना मुन्ना आने वाला है। इसके पेट में नन्ना मुन्ना रहेगा तब ना आएगा। मतलब क्या बोल रहे हो ये साहब आप, आप होश में हो कि नहीं, आपको दिख नहीं रहा है कि मैं 8 महीने का प्रेग्नेंट हूँ, ये क्या है? अगर आप चिंटू का दोस्त नहीं होते ना तो फिर मैं आपको अभी तक एक चाटा लगा देती। हाँ इसने एकदम सही कहा, तू होश में है कि नहीं? मैं होश में ही हूँ, मैं जो तुझे बताऊंगा ना वो सुन के तेरा होश उड़ जाएगा। और भाभी आपने क्या कहा कि ये क्या है, मैं बताता हूँ कि ये क्या है। ये गुब्बारा है चिंटू, अब उड़ गया ना तेरा होश, पर तू सोच रहा होगा मुझे कैसे पता कि तेरी बीवी के पेट में गुब्बारा है। अरे तू पति हो के नहीं जान पाया कि इसके पेट में गुब्बारा था, मुझे कैसे पता, ये तू जरूर सोच रहा होगा। तो तुझे बता दूं, तू जब नारियल खरीदवा रहा था ना अपनी बीवी को, तभी मैं उसके बाजू वाले ठेले में सब्जी ले रहा था, तब मैंने देखा कि तेरी बीवी अपने पेट में गुब्बारा डाल रही थी, मैंने सोचा कि तुझे बताऊं, और मैंने बता दिया। मैंने तो अपनी दोस्ती बखूबी निभा दी भाई, अब आगे तुम दोनों की मर्जी, मैं चला। हाँ भाई तुमने अपना दोस्ती बहुत अच्छा निभाया, हो सके तो मुझे ही माफ कर देना। माही ये सब क्या था? अरे मैं कितना ज्यादा खुश था, और मैं ये खुशी देखने के लिए अपना काम धाम सब कुछ छोड़ के यहाँ आया, और आते ना आते तुमने मेरी खुशी में 1 सेकंड में पानी फेर दिया। बताओ तुमने ये सब नाटक क्यों किया, ये बताओ। मैं बताती हूँ एक्चुअली चिंटू, मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। मजबूरन? अरे ऐसी क्या मजबूरी थी, ये बता। देखो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने जोर जबरदस्ती तुमसे शादी करवा दिया, क्योंकि तुम बहुत अमीर हो इसीलिए, और मैं प्यार किसी और से करती हूँ, इसलिए मुझे फेक प्रेगनेंसी का नाटक करना पड़ा। और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिनों में भाग जाऊंगी, लेकिन भाग जाने से पहले तुमने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। ठीक है तो किसी और से प्यार करती है ना, मैं तेरे रास्ते का कांटा बन रहा हूँ ना। ठीक है आज ही तुझे डिवोर्स मिलेगा, और मैं ये रास्ते में कोई तमाशा नहीं करना चाहता हूँ, तू घर चल।